देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने चंद दिन पहले तक अपने गठबंधन सहयोगी रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुसलमानों को टिकट देने से मना करने का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि अखिलेश ने मुझे संदेश भिजवाया कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट नहीं दूं। इसके पीछे धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होने का तर्क दिया गया। हालांकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। मायावती ने इस बयान से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान सियासी विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। खुद को मुसलमानों की हितेशी बताती रही समाजवादी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सपा वास्तव में देश की लोकतांत्रिका व्यवस्था में मुसलमानों की भागीदारी की विरोधी है। सपा के अध्यक्ष ने आखिर मायावती से मुसलमानों को ज्यादा टिकट ना देने के लिए क्यों कहा, तो सुनिए। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही राजनीति के जानकार और गैर राजनीतिक व्यक्ति भी अपने अपने हिसाब से बसपा के लोगों को वक्तव्य की व्याख्या कर रहे हैं। कोई अखिलेश को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो कोई इसे मायावती की सियासी माया बता रहा है। इसके पीछे आखिर राज क्या है, तो बता दे कि ये सिर्फ एक राजनीतिक गेम है। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।